हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ प्रॉन्स मसाला की रेसिपी। ये प्रॉन्स मसाला मैंने कर्नाटका स्टाइल में बनाया है। इस प्रॉन्स मसाला को बनाने के लिए मैंने नारियल का यूज़ किया है। आप इसे गर्मा गर्म राइस या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ प्रॉन्स लिए हैं, इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसका शेल भी निकाल दिया है। अब हम इसके लिए मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया है, इसे मैं थोड़ा सेक लूँगी। इसे हमें तब तक सेकना है जब तक इसमें से एक अच्छी खुशबू आनी चालू नहीं हो जाती। इसे हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब इसी तरीके से हम लाल मिर्च को भी सेक लेंगे, इसे भी हमें क्रिस्प होने तक सेक लेना है। इसमें मैं थोड़ा लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे प्रॉन्स करी में एक अच्छी सी खुशबू आती है, इसे भी हम थोड़ा सेक लेंगे जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आनी चालू नहीं हो जाती। यहाँ एक मिक्सर जार में मैं नारियल डाल रही हूँ, ये फ्रेश नारियल है। इसमें मैं डाल रही हूँ इमली, हल्दी पाउडर, लहसुन, लाल मिर्च जिसे हमने सेक लिया था, दालचीनी, लौंग, साबुत हरा धनिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्सी में पीस लेंगे। एक पैन में हम थोड़ा तेल डालकर इसे गरम कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज, इसे हमें डालकर थोड़ी देर चलाना है जब तक कि प्याज थोड़े नरम नहीं हो जाते, मगर इसका हमें कलर चेंज होने नहीं देना है। अब इस स्टेज पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल रही हूँ, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज का रंग लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये प्याज का हमारा कलर चेंज होना चालू हो गया है। यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही मैं हम इसमें प्रॉन्स डाल देंगे। आप चाहें तो प्रॉन्स में थोड़ा हल्दी पाउडर और नमक डाल करके इसे पहले से ही मैरिनेट करके रख सकते हैं, पर यहाँ मैं इसे ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। प्रॉन्स जैसे जैसे सिकने लगेगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होगा, ये हल्का लाइट पिंक होता जाएगा और साथ ही ये थोड़ा स्वर्ल होकर के सी शेप फॉर्म करने लग जाएगा। अब ये प्रॉन्स लाइट पिंक हो चुके हैं और ये सी शेप भी फॉर्म कर रहे हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और इसे ढककर हम इसमें एक उबाल आने देंगे। अब इसमें एक उबाल आ चुका है, इसमें जो तेल है वो भी इसकी सतह पर फ्लोट कर रहा है। अब हमने जो नारियल का मसाला बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इस स्टेज पर अपनी ग्रेवी में थोड़ा और पानी भी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी ग्रेवी को पतली या गाढ़ी बना सकते हैं। बेसिकली ये प्रॉन्स मसाला थोड़ा गाढ़ा होता है, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर रही हूँ। अब इसमें हम थोड़ा नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए, ये जो ऑयल है ये पूरा सतह पर फ्लोट कर रहा है। ये मसाला अच्छे से पक चुका है, हमारी प्रॉन्स करी रेडी है। गैस की फ्लेम को स्विच ऑफ कर दीजिए। प्रॉन्स करी को गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ सर्व करें। आप चाहें तो इसे चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप भी प्रॉन्स करी को एक बार बनाकर ज़रूर देखें।
अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।